हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ ऑल न्यू ट्राइम स्क्रैम्बलर 400X, जो भाई आपकी न्यू है ट्राइम की 400cc कैटेगरी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कंपनी ने इस मॉडल के अंदर आपको जो है क्या क्या फीचर्स, क्या क्या इसके इंजन स्पेक्स आएंगे, क्या इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बाइक की चाबी से। तो चाबी आपको इसकी जो है कुछ इस टाइप से यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे ट्राइम का लोगो देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप से इसकी यहाँ पे की रहने वाली है। और अब चलते हैं इस बाइक की फ्रंट लुक की तरफ। तो कुछ इस टाइप से आपको इस बाइक के अंदर जो है फ्रंट लुक देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बाइक के अंदर आपको जो है रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है ट्राइम की तरफ से। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ये स्क्रैम्बलर मॉडल है, तो इसके अंदर आपको जो है फ्रंट में जो है हेडलाइट प्रोटेक्शन ग्रिल देखने को मिलती है। साथ ही में आपको इसके अंदर LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ से जो है इसको ऑन भी करके जो है चेक करा देता हूँ भाई। तो कुछ इस टाइप से जो है इसकी यहाँ पे फ्रंट लुक रहने वाली है LED डीरेल्स ऑन के साथ में। और साथ में आप जो इसके अंदर LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का जो सीधा सीधा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, वो है मैवरिक 440 और हार्ले X440। तो दोस्तों, ये बाइक जो है उन बाइकों से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी की जो आपको देखने को मिलती है। इस बाइक के फ्रंट में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे USD सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 140 mm का जो है यहाँ पे ट्रैवल देखने को मिल जाता है। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों इसके फ्रंट से ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको फ्रंट में जो है यहाँ पे 320 mm की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 4-piston ब्रेक कैलिपर का सेटअप देखने को मिलता है। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको चेक भी करा दूंगा, ये देखिए सर, आपको यहाँ पे MRF के जो है ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और टायर साइज की बात करूँ तो फ्रंट में जो आपको 1919 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। अब फ्रंट में आपको जो है काफ़ी बड़ा व्हील जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और इस बाइक के अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ दोस्तों, तो आपको इस बाइक के अंदर करीबन 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इस बाइक के टैंक में एक खास बात यह है कि आपको यहाँ पे जो है टैंक साइड ग्रिप भी जो है देखने को मिल जाती है, जो कि वाइल्ड राइडिंग जो है आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है इसके आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। आपकी बाइक जो आप काफ़ी ज़्यादा जो है आप कंट्रोल में जो आपकी बाइक चलती है। और यहाँ पे जो आपको स्क्रैम्बलर 440X की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वही बात करूँ इसके साइलेंसर की, तो आप यहाँ से इसकी साइलेंसर की लुक को चेक कर सकती है। यहाँ पे आपको जो है ट्विन साइलेंसर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी मर्ज है। और इस बाइक के रेयर में आपको जो है मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है नाइट्रोक्स चार्ज, जिसमें आपको 130 mm का जो है यहाँ पे ट्रैवल देखने को मिल जाएगा सस्पेंशन का। और अगर मैं वहीं से इसके पे रियर टायर साइज की बात करूँ दोस्तों, रियर में भी आपको MRF कंपनी का जो है यहाँ पे टायर देखने को मिलता है। और ये ऑफ रोड टायर है। और इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो दोस्तों, आपको यहाँ से चेक भी कर सकते हो, 140/80R17 का जो है ये ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील के साथ में। और यहाँ पे जो आप इसके टायर ब्रश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। और इस बाइक के रेयर में भी दोस्तों आपको फुली LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा LED इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के इसके अंदर आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाएंगे, काइंड ऑफ स्प्लिट ग्रैब रेल जो आपके यहाँ देखने को मिलती है स्प्लिट सीट के साथ में। दोस्तों, ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है ट्राइम की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बाइक के अंदर आपको जो है यहाँ पे 6-speed का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे भाई स्लिपर क्लच भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे स्विचेस वो आपको देखने को मिलते हैं। मेन बात कर लेते हैं भाई इस बाइक के इंजन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बाइक के अंदर आपको
जो है यहाँ पे 398 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है भाई आपको। आप यहाँ पे इसका रेडिएटर भी चेक कर सकते हो और इसकी मैक्स पावर दोस्तों आपको यहाँ पे 39 bhp और मैक्स टॉर्क जो है यहाँ पे 37 न्यूटन मीटर जो आपको देखने को मिल जाता है भाई। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बाइक के डाइमेंशंस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस बाइक का जो कर्व वेट है दोस्तों वो आपको जो है यहाँ पे करीबन 185 किलोग्राम की जो है ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। सीट हाइट की बात करता हूँ तो दोस्तों 835 mm की जो है इसकी यहाँ पे सीट हाइट रहने वाली है, और जो इसकी व्हील बेस है वो आपको यहाँ पे 1418 mm का इसका व्हील बेस देखने को मिलता है। ओवरऑल हाइट की बात करूँ तो दोस्तों आपको 1170 mm की इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। चौड़ाई की बात करूँ इस बाइक की तो आपको जो है भाई यहाँ पे 901 mm की जो है इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। और इस बाइक के अंदर आपको जो है डिफरेंट कलर वेरियंट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये आपका जो भाई चेरी रेड कलर के अंदर आप देख सकते हो इस बाइक को, तो ये आपकी चेरी रेड कलर में भी आती है, कुछ इस टाइप से हमारी बाइक रहने वाली है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई ये जो बाइक आपकी है इसके अंदर आपको जो क्या क्या कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूं भाई मैं। तो कुछ इस टाइप से इसके कंट्रोल्स यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें आपको जो है यहाँ पे लो बीम देखने को मिलती है, ये आपका पास लाइट, अगर आप इसको आगे पुश करोगे तो ये आपका भाई हाई बीम पे बाइक आपकी चली जाएगी, ठीक है। और इधर भी जो आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं हाई बीम लो बीम के, और सेम आपको यहाँ पे जो है एक हाई बटन का स्विच देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का नीचे हॉर्न है, और इस तरफ में दोस्तों आपको इंजन के लिए स्विच देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे आप हैजार्ड लाइट देख सकते हो और यहाँ पे आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिलता है। दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो है यहाँ पे सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार देखने को मिलता है, और ये जो भाई एक स्क्रैम्बलर बाइक है तो आपको यहाँ पे रेट्रो स्टाइल के जो है इसके रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे ब्लैक और सिल्वर की जो है फिनिश देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इस बाइक के अंदर आपको जो है यहाँ पे इस टाइप से जो है भाई ये टाइम की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। और इसके स्पीडोमीटर की बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस टाइप से इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल रहने वाला है, सेमी डिजिटल जो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ रहने वाला है। इसके अंदर आपको जो काफ़ी सारे वार्निंग साइंस वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएंगे, या आपका स्पीडोमीटर हो गया, इंजन मेल फंक्शन लो ऑयल का हो गया, या आपका भाई ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, यहाँ पे ABS हो गया न्यूट्रल लो ऑयल, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, या आपका RPM मीटर आने वाला है, ऑडोमीटर, यहाँ पे आप आपकी क्लॉक देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूल गेज का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा, ट्रिप मीटर, यहाँ पे ट्रिप टू, ट्रिप वन, ये आपकी भाई यहाँ पे रियल टाइम जो है फ्यूल इकोनॉमी हो गई, यहाँ पे आपको जो है भाई आपकी इंस्टेंट जो है फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो आपको रेंज दिखाएगा अभी बाइक की जैसे दिखा रही है भाई ये 270 किलोमीटर जो है ये चल सकती है। यहाँ से जो आप इसके टच एंड कंट्रोल को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो, और यहाँ से आप जो इस बाइक को ऑफ रोड मोड के अंदर भी जो है वो ले जा सकते हो भाई, और यहाँ से जो आप इसकी क्लॉक के टाइम को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ रहने वाला है। और मैं एक बार फिर से जो मैं आपको इस बाइक के जो है मीटर को ऑन करके ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो इसके वार्निंग साइंस वगैरह को अच्छे से। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों इस बाइक के अंदर जो आपको एक USB चार्जिंग का पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इससे दोस्तों, और वो भी टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिलता है, जिससे आप वाइल्ड राइडिंग अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि आपका जो है हाई स्पीड के अंदर मतलब कि कह लो कि आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पे जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि टाइप सी पोर्ट आपको इस बाइक के अंदर यहाँ देखने को मिलता है। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दिया था भाई, दिल्ली के अंदर आपको ये बाइक जो है ऑन रोड प्राइस करीबन 3,15,000 रुपए के अंदर जो है यहाँ देखने को मिल जाएगी। और वही मैं बात करूँ दोस्तों इस बाइक की राइडिंग रेंज की, तो एक फ्यूल टैंक के अंदर जो है ये बाइक आपको जो है करीबन 380 से लेके 385 किलोमीटर की जो है राइडिंग रेंज निकाल के दे देती है। बाकी भाई डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को चलाते कैसे हैं, और एवरेज की बात करूं तो दोस्तों ये बाइक आपको जो है करीबन भाई 30 से लेके 35 KMPL की जो है माइलेज आराम से इजिली निकाल के दे देती है।
तो दोस्तों ये बाइक आपकी अवेलेबल है सरस्वती विहार प्रीतमपुरा के अंदर, और शोरूम की डिटेल्स दोस्तों आपको जो है स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दोस्तों आपको शोरूम की गूगल लोकेशन का लिंक क्या देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट टाइम से जो है मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।